हेलो फूडीज फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकपैड। मैं बना रही हूँ इफ्तार की रेसिपीज़। इफ्तार की रेसिपीज़ में बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, वेज नॉन वेज दोनों ही बनाए जाते हैं, फ्रूट्स भी कट करके हम सर्व करते हैं। तो मैं एक ऐसा प्रिपरेशन बता रही हूँ नॉन वेज रेसिपी का, जो कि आप एक ही प्रिपरेशन से काफ़ी सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं, और खूब सारे टिप्स भी। अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं रमज़ान से रिलेटेड, इफ्तार से रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। कैमरा हो गया सेट किया, बॉल के ऊपर सेट करो, डन डन, ओके। चलो ठीक है, तो फ्रेंड्स सब आ गए हैं आप लोग? मैसेजेस, अवनी आ गई, हाय अवनी, अवनी डार्लिंग आ जा खा ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं चिकन का प्रिपरेशन बना रही हूँ। चिकन का प्रिपरेशन आप इससे काफ़ी सारी वैरायटीज़ में मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक कबाब, सीख कबाब, एग रोल। तो मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब एक एक प्रिपेयर करें, बाइंड करें, फिर उसको अलग अलग तरीके से बनाएं। एक ही प्रिपरेशन आप तैयार कर लीजिए और उसको आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 400 ग्राम मिन्स चिकन। चिकन को अच्छे से वॉश करके मैंने इस तरह से मिन्स कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ऐड कर देंगे हम बाइंडिंग के लिए बेसन, 2-3 टेबल स्पून। अगर आपके पास बेसन ना हो तो आप मैदा भी यूज कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए, या फिर चावल का आटा, या फिर ब्रेड क्रम्स, लेकिन बेसन बेस्ट है। अगर आपके पास बाइंडिंग के लिए ना हो तो मैं ऑप्शन आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये बेसन हमने मिला लिया है। अब आप ये देख सकते हैं मैंने लिए हैं सूखे स्पाइसेस। कौन कौन है? हेलो दिव्या जी, हेलो दीप्ति जी, हाय तनुजा जी, थैंक यू सो मच, हाय आसिफा, अरे नीलू, यहाँ तो कुछ मत बोलो यार प्लीज़। भुतनी, देख नीलू भुतनी बोल रही है। ठीक है चलो मैं स्पाइसेस बताती हूँ आपको। स्पाइसेस में मैंने लिया है ये 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर। ज़ीरा आप तवे पर ड्राई रोस्ट कर लीजिए और फिर उसे बारीक ग्राइंड कर लीजिए मिक्सर जार में। और ये साथ ही नमक स्वाद अनुसार, जितना आप नमक खाते हैं कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कीजिए। मैं तो कम ही खाती हूँ, कभी कभी ज़्यादा भी खा लेती हूँ, कोई बात नहीं। और ये मैंने लिया है 1/4 टीस्पून हल्दी। हल्दी ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो क्या है फिर वो सीख या आप कबाब जो भी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा येलोविश हो जाते हैं, तो इसीलिए हल्दी की मात्रा थोड़ी कम ही रखें आप। और फिर ये ले लिया है 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। तो ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। और ये मसाले हमने डाल दिए हैं। अब ये मेरे पास है हरे धनिया की पत्तियाँ बारीक कटी हुई, तो इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। मैं इसे इस तरह से तैयार करती हूँ जैसे कि मतलब इसे फूड प्रोसेसर में डाल दिया, सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करके कंबाइन करके ब्लेंड कर दिया, तो बिल्कुल मतलब अच्छे से कंबाइन हो जाते हैं ये सब और फिर तैयार भी हो जाते हैं। ये मेरे पास है अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर। गीला पेस्ट मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें अगर ड्राई पाउडर यूज़ कर रही हूँ तो बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। गीले में थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है, बस मतलब गीले में थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए इरिटेटिंग होता है, तो ड्राइट से क्या अच्छा बाइंडिंग मिल जाता है मुझे। इसलिए अगर आप चाहें तो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मेरे पास पाउडर अवेलेबल है, मैं पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये मैंने लिया है ग्रीन चिली पेस्ट, ग्रीन चिलीज़, 7-8 ग्रीन चिलीज़ को मैंने ग्राइंड कर दिया।
कौन है बता बता कौन है लाइव नहीं कौन ज्वाइन किया है मुझे इन मिर्ची नीलू रस्तोगी के लिए है चलो क्या बोल रही नीलू डियर नहीं सबा फिरो शेख डार्लिंग नो अच्छा डार्लिंग थैंक यू मेरी जान तू ही तो है एक समझती है चलो ठीक है अभी मिर्ची थोड़ा सा हम झोंक देते हैं इसमें एनी क्वेश्चंस कोई मुझसे कुछ सवाल करना चाहता है इफ्तार से रिलेटेड रमजान से रिलेटेड हो तो पूछे बिंदास बेझिझक ये सभी मसाले मैंने मिला दिए हैं अदरक लहसुन का पाउडर ग्रीन चिलीज हरी धनी की पत्तियां और सारे सूखे मसाले जो मैंने आपको अभी बताए हैं गरम मसाला पाउडर जीरा पाउडर नमक काली मिर्च और हल्दी इसके अलावा भी आप कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं स्पाइसेस में तो आप ऐड कर सकते हैं तो इसे अब अच्छे से मिला लेंगे मेरे पास फूड प्रोसेसर है मैं तो उसी में डाल के सब ना घुमा देती हूँ ढूर ढूर हो जाता है कोई कुछ बोल रहा है आसिफा जी क्या बैन क्या बन क्या रहा है हाँ मैं बता रही हूँ ना बन क्या रहा है चिकन के आइटम बन रहे हैं वही अपने इफ्तारी वाले लाइक सीख कबाब और कबाब बनाएंगे इससे एग रोल वगैरह जो भी आप बना सकते हैं एक ही प्रिपरेशन से आप बना लीजिए अच्छे से तो ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए एक बिल्कुल स्मूथ सब हमें डो चाहिए एनी क्वेश्चंस क्या बन रहा है मोनिका जी चिकन का आइटम बन रहा है कबाब बनाऊंगी मैं सीख कबाब बनाऊंगी एग रोल बताऊंगी आपको लेकिन एक ही प्रिपरेशन से आप इतने सारे आइटम्स बना सकते हैं इससे आप समोसा भी स्टफ करके बना सकते हैं तो ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं है इफ्तार के रेसिपीज में इफ्तार में आप ज़्यादातर हो सके तो कोशिश कीजिए कि डीप फ्राइड चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी अवॉइड कीजिए आप कोशिश कीजिए कि आप बेक्ड समोसा बेक्ड स्प्रिंग ऑनियन रोल या फिर पेटीज वगैरह बेक्ड करके खाएं या फिर बहुत ही कम तेल में इसे ग्रीस करके आप बनाएं और खाएं तो वो भी अच्छा रहता है सेहत के लिए नहीं तो मान लो आपने पूरे दिन फास्ट रखा और फिर शाम में आप शुरू हो गए खाना तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है तो देखिए मेरा हाथ कैसा हो गया पूरा हाथ तो कुकष्ट तो ये यहाँ पर पानी है एनी क्वेश्चंस नीलू कहाँ गई सबा बता क्या बताऊँ यार क्या बताऊँ दो दो यार इसके कमेंट्स हाय मनीषा हाउ आर यू ये अपनी बिन्नी दी वगैरह कहाँ है सब हाय डिया हाय छाया बरी डार्लिंग डालो क्या मतलब क्या पाया सूप किसका पाया ये तो बता मछली का पाया ये जो पाए सूप की पड़ी है चलो ठीक है इसे अच्छे से ना मिक्स करते हैं एक बार चम्मच की मदद से ऐसे ऐसे जितना भी फ्रस्ट्रेशन है फास्टिंग का या घर का जो भी फ्रस्ट्रेशन है इस पे ऐसे निकाल दीजिए है ना तो ये मस्त ये सारा कुछ अच्छे से कंबाइन कर लिया है ओके एनी क्वेश्चंस आई एम गुड डियर गुड गोइंग थैंक यू मनीषा हाय छाया हाउ आर यू चलो ठीक है एनी क्वेश्चंस किसी को कुछ पूछना है चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको
कि इफ्तार में अब क्या खाएं क्या ना खाएं। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि आप डीप फ्राइड चीज़ें ज़्यादातर हो सके तो मतलब अवॉइड कीजिए। डीप फ्राइड खाना सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, दिन भर फास्टिंग रखने के बाद वो भी ठीक है। और अगर आप फास्टिंग खोलते भी हैं, रोज़ा खोलते हैं, तो कोशिश कीजिए आपके जो खजूर होते हैं डेट्स, उसी से रोज़ा खोलिए, दो खजूर खा लीजिए और अच्छे से पानी पीजिए। खजूर के बेनिफिट ये हैं कि जो आपका दिन भर में शरीर में शुगर और सॉल्ट का लेवल कम हो गया होता है तो वो रिस्टोर हो जाता है और डाइजेशन में भी मदद करता है खजूर। तो ये सारे खजूर के बेनिफिट्स हैं। और जो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है दिन भर भूखे रहने के बाद, तो उसको भी थोड़ा सा डिक्रीज करता है। सबा की तरफ से आज सबको पार्टी है। अंजना जी आ जाओ, मोस्ट वेलकम। फिर तो मुझे आप लोगों के लिए अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी वेजिटेरियन की, है ना। अच्छा, वेजिटेरियन से मुझे याद आया कि वेजिटेरियन में भी है ना बहुत सारे मतलब आइटम्स होते हैं, चना मसाला, आलू मसाला ना, आलू को वो तल तला के भजिए ये वो। तो जितना हो सके उतना आप बोलते हैं ना बॉइल्ड, भिगो करके बॉईल किए हुए स्प्राउट्स, चना दाल वगैरह, तो जितना हो सके आप उसको सैलेड के रूप में सर्व कीजिए इफ्तार में। तो उससे क्या है पेट भी अच्छा रहेगा और खाने का एक बेहतरीन सी रेसिपीज भी आपको मज़ा आएगा, चटपटा। स्पाइसेस आप यूज़ कर सकते हैं लाइक चाट मसाला। और चलो पैन में गैस पे रख देती हूँ एक बार, एंड क्या जो किया वो रिपीट करो, वो हु जॉइन लेट फिंग नो। ओके ठीक है मनीषा, थैंक यू। एम आर के कालरा जी हेलो, क्या बना रही हो दी? तनुश्री, मैं बना रही हूँ एक ही प्रिपरेशन से तीन चार आइटम, तो मैं आपको बता दूंगी। तो ये मैंने गैस ऑन कर दिया है यहाँ पर, गैस को ऑन कर दिया है। अरे कैमरा इधर लाओ, अभी सीख कांडी वगैरह नहीं बनाई है मैंने। लीजिए एक ही प्रिपरेशन से ना मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या क्या बना सकते हैं। पानी किधर गया? पानी तो मैंने यूज़ कर लिया, कोई बात नहीं। सब आए हैं कि नहीं? बस इतने ही लोग आए हैं मेरी रेसिपीज देखने, हाँ बाकी सारे कहाँ गए? निन्नी ले ले। चलिए ठीक है, अब ये मेरे पास है कुछ स्क्रूज, ये सीख की कांडी आपको किसी भी शॉप पर मिल जाती है, आजकल बड़ी कॉमन सी हो गई है ये। तो हाथों को पानी से गीला कर दीजिए, तेल से चिकना कर लेने की ज़रूरत नहीं है, बार बार तेल क्यों वेस्ट करना। थोड़ा सा स्टफ लीजिए और बस इसे इस तरह से आप ले, कांडी टूट गई। ये चालू प्रोडक्ट है तो चलिए इसे बस इस तरह से लपेटें, अपने हाथ को पानी से गीला करके आप इस तरह से इसे लपेट लीजिए। बहुत गर्म हो रही है, घर का फैन बंद रखा है मैंने। वाह व्हाट इज बीइंग कुक्ड, ये एक ही प्रिपरेशन से मैं तैयार कर रही हूँ इफ्तार की रेसिपीज। तो ये मैंने इस तरह से, हाय किरण, हाय सुनीता, एब्सेंट मार्क करेंगे, काहे का एब्सेंट मार्क भाई, निन्नी करने तू सोती पड़ी रहे मेलू के बच्चे, तेरे को कुछ काम नहीं है आजकल। चलिए देखिए इस तरह से मैंने सीख तैयार कर लिया है। तो आप इसी तरह से बहुत सारे आइटम्स इस प्रिपरेशन से बना सकते हैं। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, आप इसी प्रिपरेशन से, हमने कुछ नहीं किया, बस मसाले डाले हैं, बेसन डाला है बाइंडिंग के लिए और हरे धनिया की पत्तियाँ और ग्रीन चिली पेस्ट, अदरक लहसुन का पाउडर, आप चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर बस इसे कंबाइन करके हम जो चाहें वो बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बस हाथ
हाथ को हल्का सा गीला करते हुए। किस चीज के सीख कबाब हैं? प्लीज स्पीक लाउडर। ओके, ये है चिकन के कबाब। अगर आप चाहें तो इसे नॉनवेज के बदले वेज में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सोया चंक्स होता है ना, उसके भी कबाब बड़े अच्छे बनते हैं। अब उसे भी बस उसमें थोड़ा सा आलू वगैरह आपको यूज़ करना होगा बाइंडिंग के तौर पे। आलू, बेसन। आवाज़ आ रही है प्रॉपर आप लोगों को मेरी? चलिए, तो ये मैंने दो सीख प्रिपेयर कर लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कबाब। गैस भी ऑन है तो पैन गर्म हो गया है हल्का सा। इसमें तेल डाल देते हैं। तो जब तक ये तेल गर्म हो रहा है, अबे जो नहीं आए वो निन्नी करने गए। अच्छा ठीक है, चलो। तो ये तो हो गए, सीख मैंने तैयार कर लिए हैं। अब आप कबाब भी इस तरह से बस कुछ नहीं चपटा कर दीजिए। तो ये चपटा करके रख लीजिए। मीनू, मीनू जी, अच्छा बिन्नी दी है क्या ये? ब्रिंग देम ऑन कैमरा। ओके चलो ठीक है। अब दिख रहा है? ये देखिए, बस बॉल्स बना के थोड़ा सा चपटा कर दिया मैंने। ठीक है, चिकन में बहुत ही प्रोटीन वगैरह होता है, इसीलिए इफ्तार में चिकन के आइटम सर्व किए जाते हैं। लेकिन ये थोड़े से डीप फ्राइड होते हैं, इसीलिए हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इसे कम तेल में यूज़ कीजिए, कम तेल में शैलो फ्राई करके थोड़ा सा, या फिर आप बेक भी कर सकते हैं अगर आपके पास ओटीजी है तो। इसे हेल्दी वे में प्रिपेयर कीजिए, ठीक है ना। तो ये मैंने, आप देख सकते हैं कैमरा दिख रहा है, तो ये मैंने दो सीख की कांडी बना ली है चिकन के प्रिपरेशन से, एक ही प्रिपरेशन से। और ये मैंने कबाब बना लिए हैं। और ये मेरे पास है एक अंडा। कैमरा नीचे लो, थोड़ा गैस को बंद कर देती हूँ अभी। कैमरा नीचे लो, नहीं यहाँ यहाँ यहाँ। ओके हाँ चलो, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। अंडे में ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ सॉल्ट। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके वाओ, शची जी ग्रेट जॉब, थैंक यू शची। आप बड़ी जल्दी आ गई शची जी। ये चिकन का आइटम बना रही हूँ, देखो ये अंडा है। वेज वाले वेज भी बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज बनती है, वेज वाले वेज रेसिपीज भी ट्राई कर सकते हैं। और मेरा चैनल भी है सबाज किचन, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबाज किचन यूट्यूब पर चैनल है। आप वहाँ पर जाकर के मज़ेदार रेसिपीज चेक कर सकते हैं, वेज नॉन वेज बोथ। तो देखिए, ये तेल भी गर्म हो गया है, बड़ा ज़रा सा तेल, दो चम्मच। पैन पे गिरा है कैमरा। थोड़ा सा क्लोज कर, थोड़ा सा क्लोज क्लोज, वेरी गुड वेरी गुड। कैमरामैन बन गई तू, मेरी सिस्टर है मेरे साथ में, ठीक है। तो मीटू, ये मीटू किसने कहा, क्या कहा? अच्छा सना सैयद, हाँ बड़ी जल्दी आई मैडम, कहाँ सो रही थी रोज़ा रख के। रोजे में ऐसे ही होता है भाई। बिल्ली दी कहाँ थे आप, बहुत लेट करते हो आप लोग आने में, मेरी रेसिपीज तैयार होने को आई है।
चलिए ठीक है। तो ये देखिए, ये मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने अंडे का बैटर तैयार किया है, नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल के, तो उसमें इस तरह से बस जो हमने टिक्की बनाई है उसे डिप करेंगे। हाँ ये तो स्लिप हो रही है। चलो वेरी गुड, आ गया हाथ में। गैस को ऑन कर दो, तेल ऑलरेडी गर्म है, इसे फास्ट पे गर्म करते हैं। क्या फरिया? हाय हेलो, फारिया और फरिया, थोड़ा जोर से बोलो। अरे ऑलरेडी मेरा गला सूख रहा है, और कितना जोर से बोलूं। हाय रेनू, कहाँ थी? मच्छी खा के हो गई तुम्हारी? हाँ कल तो खूब रात में 3 बजे मछलियां खिला रही थी मुझे। चलो ठीक है, जोर से बोलती हूँ। अब आवाज आ रही है? चलो सही है। हा। अंजना जी, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। अरे क्या हो गया वॉइस को? अरे मैं कितना चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ। देखो अभी आवाज क्लियर है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? तो तेल गरम कर लिया है हमने, तो इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ ये। ओके फ्लेम को स्लो कर दीजिए थोड़ा सा। तो ये बना दूंगी मैं, ये बड़ी मतलब खास रेसिपी है, ये भले पूरे साल बने ना बने लेकिन इफ्तार में ये सब जरूर बनती है। ये ऐसी रेसिपीज हैं। और इफ्तार से रिलेटेड मैं आपको और भी बातें बता दूं, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप, हेलो लाइव है ना? हाँ तो मैं कह रही थी कि मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि कुछ ऐसी टिप्स बताइए कि दिन में जो है ज़्यादा जल्दी से प्यास ना लगे, समर सीजन है तो ऑब्वियसली दिन भर फास्टिंग बहुत मुश्किल है। तो सहरी जब आप करते हैं मॉर्निंग में फजर की नमाज से पहले, तो आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स कंज्यूम कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है जो कि आपको दिन भर तरोताज़ा रखता है, ज़्यादा प्यास नहीं लगती है। और हो सके तो सहरी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, एटलीस्ट 3 से 4 गिलास, कोशिश कीजिए कि 3 से 4 गिलास आप पानी पी सकें, ताकि आपकी बॉडी दिन भर रिहाइड्रेशन हो। तो ये देखो ये हो गया। और साथ ही सहरी में एक भूख नहीं लगने के लिए, ये तो चलो प्यास के लिए हो गया, सहरी में जो है भूख नहीं लगने के लिए आप हैं दूध का इस्तेमाल कीजिए, दही का इस्तेमाल कीजिए। 1 गिलास दूध इतना हैवी होता है कि आपने मानो लंच कर लिया हो या डिनर कर लिया हो, इतना हैवी होता है दूध। अगर आप 1 गिलास दूध पी लें तो आपको 12 से 15 घंटे भूख नहीं लगती, पेट हैवी हैवी रहता है, लाइक आपने प्रॉपर मील कर लिया हो अपना। तो इसे भी पलट लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं मैं कितने कम ऑयल में ये प्रिपेयर कर रही हूँ। इसे आप चाहें तो बेक भी कर सकते हैं थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके, तो बेक में भी बड़ा अच्छा रहता है ये। 20 से 25 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर इसे बेक कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी स्टफ कर सकते हैं, इसकी चीज़ बॉल्स भी बना सकते हैं आप इसी प्रिपेरेशन से। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के आप सेक लीजिए। टेस्टी, अभिक्षा साहू, थैंक यू डियर। क्या प्रिया, प्रिया जी क्या करें, क्या बन रही है प्रिया जी? ये बन रहा है चिकन का आइटम, टेस्टी डिशेस बन रही है। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू सो मच। मस्त आवाज़ है आपकी, डोंट वरी, सुनाई दे रहा है? डोंट वरी, ओके डोंट, वी आर वॉचिंग फ्रॉम, ओहो बांग्लादेश, थैंक यू सो मच, विल ट्राई इट। हाँ ज़रूर ट्राई करो, आप इसे स्टोर करके डीप फ्रीजर में भी रख सकते हो अभिषा, बहुत ही अच्छा मतलब प्रिपरेशन है ये।
अभी से काफ़ी सारे आइटम्स प्रिपेयर कर सकती हूँ, जहाँ तक कि आपकी बोलते हैं ना रेसिपीज बनाने की सोच खत्म होती है वहीं से रेसिपीज शुरू होती हैं। पसीने पसीने, अरे फैन बंद है मेरे घर का। अमनी कहाँ गई? अमनी थैंक यू फॉर या तारिक जी, लिखा लिखा यम यम यम, थैंक यू। विंडो ओपन करूँगी तो मैं हवा आएगी, इसलिए मैं मतलब चलो इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पर फ्राई करते हैं। शैलो फ्राई, बहुत ही कम ऑयल में मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ तेज़ आंच पर। तो बस आप सारी जो चीज़ें हैं ना इसी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। आप चाहें तो इसकी चीज़ बॉल्स भी बना सकते हैं, चिकन का स्टफ लेकर के उसे बीच में चीज़ स्टफ़ कीजिए, और फिर चीज़ स्टफ़ करने के बाद उसे पूरी तरह से मतलब रोल कर लीजिए आप गोलाकार में, और फिर उसे अंडे में डिप करके गरम तेल में डीप फ्राई कीजिए। अभी मैं आपको वो रेसिपीज बताती हूँ, लेकिन गरम होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, 5 से 10 मिनट, तो इसीलिए फिर मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं इस प्रिपरेशन से। ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने यूज़ किया है मिन्स चिकन। आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आप फूड प्रोसेसर में सारी चीज़ें एक साथ डाल करके कंबाइन कर सकते हैं, प्रिपरेशन तैयार कर सकते हैं। मिन्स चिकन के साथ मैंने यूज़ किया है बाइंडिंग के लिए बेसन, मसाले में यूज़ किया है मैंने अदरक लहसुन का पाउडर, आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको रेसिपीज़ पूरी एक बार प्रिपरेशन की बता रही हूँ। साथ ही मैंने लिया है नमक स्वाद अनुसार 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट, और एक चीज़ और भूल गई हूँ, हल्दी। हल्दी कम ही यूज़ कीजिए, नहीं तो वो कलर बिगड़ जाता है, सीख कबाब फिर एकदम पीले पीले से लगते हैं जो भी आप बनाएं, तो थोड़ा सा कम ही यूज़ कीजिए आप हल्दी। प्लीज यूज प्लास्टिक स्पैचुला। ओके, बहुत ही स्वादिष्ट कबाब बन रहा है, थैंक यू संज भाटी। सॉरी मैं प्रॉपर नाम, एक मिनट, तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँगी, ये किसको बोल रही है, हमने किससे लगी पड़ी है। सोया ग्रैन्यूल्स के अलावा और किसके कबाब इजीली बन जाते हैं? अरे बहुत सारे कबाब हैं, आप जो बनाना चाहे बना लीजिए। हमने जी आलू लीजिए, सब्जियों को थोड़ा सा सॉटे कीजिए, समझे, सब्जी को सॉटे करके उसमें मैदा बेसन या ब्रेड क्रम्स की बाइंडिंग दे करके आप कबाब बना सकते हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले ही मैंने चिकन रशियन कबाब डाला है, आप यूट्यूब पर चेक कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया व्यूज़ आए उस पर मुझे, और बहुत ही अच्छा वॉच टाइम भी मिला है, जो कि बहुत ज़रूरी है एक यूट्यूबर के लिए, यूट्यूब क्रिएटर के लिए। तो आप जिस तरह से भी बनाना चाहें, बस थोड़ी सी आइडियाज़ की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं, थोड़ी सी आइडियाज़ के साथ आप अगर बनाएंगे तो बन जाते हैं किसी भी तरह की रेसिपीज। इसे थोड़ा सा तेज़ आंच पर मैं है ना ये कर लेती हूँ शैलो फ्राई। चलो ये प्लेट भी ना, किसी को कुछ पूछना है रेसिपी से रिलेटेड? नाजिया परवीन इज वॉचिंग, ब्रिंग देम ऑन कैमरा। वापस है? अच्छा ओके, वो मुझे अपने को शो हो रहा है। नाजिया जी हाय, बहुत जल्दी आपने ज्वाइन कर लिया, कहाँ थे आप? तो चलो ये कबाब सीख गए हैं अच्छे से, बहुत ही कम तेल में, आपने देखा है कितना कम तेल है, मैंने बिल्कुल 2 टेबल स्पून ही तेल डाला था, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इसे एब्जॉर्बिंग पेपर पर निकालेंगे, तो प्लेट पर पहले एब्जॉर्बिंग पेपर मैं 2-3 रख लूँ। हेलो तेरे को मेरी जान, क्या बोल रही है? एक्चुअली मैं कैमरा के पीछे हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या कह रहा है।
सबको रेसिपी मेरी समझ में आई कि नहीं समझ में आई, पहले आप ये बताइए आप लोगों को रेसिपीज कैसी लगी। मैंने अभी फिलहाल आपको ये दो ही बताए हैं और कुछ आइडियाज दिए हैं कि आप किस तरह से एक प्रिपरेशन से इतनी सारी इफ्तार की रेसिपीज तैयार कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर इफ्तार, अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं कभी अचानक से तो ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाते हैं। मिक्सर ग्राइंडर जार में बस वो बोनलेस चिकन को घुर घुर घुमाइए और स्पाइसेस मिलाइए बेसन के साथ और बस वो बाइंड करके बना लीजिए जो आप बनाना चाहें। ये नीलू की किटी पार्टी में भी काम आ सकता है। बड़ो चिकन खाएगी नहीं शायद, नीलू तू है ना, क्या खाएगी? आलू वाली खा ले। चलिए एब्जॉर्बिंग पेपर पर इसे निकाल लेते हैं और ये चिकन की सीख कांडी। चलो तो चलिए ये मैंने आप देख सकते हैं प्रिपेयर किया है। कैमरा टिल्ट करो मैम, व्हाट शी सेड मैम, हाथ से खाती क्या घुमाइए क्योंकि हाथ, अरे नहीं चलेगा, शेफ लोग को आदत हो जाती है कई बार तो, वो पता है भजिए तलते तलते कैमरे में ध्यान होता है और भजिए तल रहे होते हैं तो तेल में, गरम तेल में उंगलियां चली जाती है और फिर उस टाइम भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, थैंक यू फॉर केयरिंग मी अबाउट मी। हेलो स्वीटी, दिव्या जैन, हाय डियर, आउटस्टैंडिंग रेसिपीज सारी के पास, नाइस। हाँ इट्स ओके इट्स ओके। सोया वाली, सोया वाली क्या तुझे, मैं सोया वाली क्या जागे वाली भी बता दूँ नीलू की बच्ची नील रस्तोगी निन्नी करने गई है, नहीं नहीं जाग रही है भुतनी, मुझे छोड़ के जाएगी कहाँ, पूरा वो सबा क्या कांड कर रही है ना वो पूरा लाइव देखेगी, मैं चली जाऊंगी इसे खाने के लिए इफ्तार के टाइम, लेकिन वो पूरा लाइव देखेगी अब नहीं। चलो ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहते हैं आप तो पूछिए, क्योंकि मुझे अभी और भी इफ्तार के लिए रेसिपीज तैयार करनी है और काफ़ी वक्त हो गया है। तो ये मैंने आप देख सकते हैं एक ही प्रिपरेशन से मैंने तैयार किए हैं सीख, चिकन के सीख। आप चाहें तो वेजिटेरियन में भी बना सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और ये है कबाब चिकन के, तो बस आप इसी तरह से इसके समोसे भी फिल करके बना सकते हैं स्टफिंग को। हेलो वेरी नाइस रेसिपी एंड टेम्प्टिंग मनिंदर, मनिंदर मनिंदर जी थैंक यू सो मच। हाय हाय शंपा जी, हाउ आर यू। तो ये देखिए रेसिपीज तैयार हैं हमारी। आप इफ्तार में इसे कच्चे कांदे को कट करके जैसे छल्ले में कट करते हैं ना सलाद के तौर पे, उसके साथ सर्व कर सकते हैं। थोड़ी सी थोड़ी सी हरे धनी की पत्तियां स्प्रिंकल करके इसे हरे धनी की चटनी के साथ उसके साथ सर्व कीजिए आप। ये बहुत खाने में टेस्टी लगती है, मसाले इसमें मैंने कूट कूट के भरे हैं अच्छे से, आपने देखा होगा। तो आई होप आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया मुझे, आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। चलो तो ओके तो देखो आप सब देखिए मेरी रेसिपीज, ये सीख कांडी है, ये कबाब है, बाकी के मैंने आपको बता दिए हैं, आप अपने हिसाब से बना लीजिए। वो चिकन चीज बॉल्स, चिकन रोल, जैसे कि बॉयल एग होता है, बॉयल एग के ऊपर आप इसे हाथ को पानी से गीला करके उस पर पूरे अंडे पर इसे रोल करके अच्छे से, और उसे फिर वापस अंडे के डीप, अंडे के बैटर में डीप करके डीप फ्राई कर सकते हैं तेल में। तो ये सारे एक ही प्रिपरेशन से आप तैयार कर सकते हैं और तो हो गया ना। वन टाइम इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। तो ये देखिए ये प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन मैंने बनाया है अभी आप लोगों को बताने के हिसाब से, मैंने बहुत थोड़ा सा प्रिपरेशन बनाया है। 400 ग्राम चिकन लिया,
इसमें 3 टेबल स्पून करीब मैंने ये क्या कहते हैं बेसन ऐड किया है बाइंडिंग के लिए, अदरक लहसुन का पाउडर, ग्रीन चिली पेस्ट और सूखे मसाले। सूखे मसाले आप अपने पसंद के भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चाट मसाला वगैरह अगर आप डालना चाहें या थोड़ा सा लेमन जूस डालना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आपको किस तरह का टेस्ट पसंद है आप पे निर्भर करता है, बट ये प्रिपरेशन जो है कॉमन सी मैंने आपको बता दी है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।